हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम बाण विधि काला जादू के सेशन में आपका स्वागत है। जो आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आने वाले पेपर्स कोई भी पेपर है उसके अंदर मैथ्स की ट्रिक्स मैं आपको पर डे की दो ट्रिक्स दूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी और आप डेली के नोट्स बनाने शुरू कर दें, जो कि आपके चाहे वो पीपीसी फॉरेस्ट असिस्टेंट के पेपर है, चाहे आप एसएससी पेपर में बैठे, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में बैठे, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर में बैठे, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में बैठे, पटवारी में बैठे, आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय के अंदर चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। मैं आपको डेली ट्रिक्स बताऊंगा, वैसे हमारा डेली ट्रिक्स पे सेशन चलता है, आप उसको भी जरूर देखें। और ये आपके लिए एडिशनल फैक्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए मैथ्स पाठशाला में। और अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज की सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप में से ज्यादातर बच्चों ने देखते ही आंसर दिमाग में आ गया होगा, लेकिन आप में ऐसे बहुत सारे विद्वान बंधु होंगे जिनको इसका आंसर नहीं मालूम होगा। चलिए, बहरहाल जो भी है मैं आपको तरीका बताता हूं कि बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल फोर है, ये एक आपके सामने इक्वेशन दे दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो यहां पर एक्स का टर्म है वन, यानी चाहे आप इसको कॉफिशियंट के वैल्यू से निकाल लें, डिग्री के वैल्यू से निकाल लें, जो मर्जी फंडा लगा लें, लेकिन आपको मालूम है कि x की वैल्यू x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको स्केयर तो करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है। तो आप यही तरीका अप्लाई करेंगे यहां पर, तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी का होल स्केयर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का, तो हम इसको यू स्केयर कर देते हैं, ठीक है, तो इसका भी स्केयर हो जाएगा। ये हो गया अपने पास ए स्केयर, ये हो गया अपने पास बी स्केयर, ये हो गया अपने पास 2a इंटू बी, ठीक है गाइज, और इक्वल 4 जा कितना हो गया 16। देखो ये x से x कट गया, मैं बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करें और गाइज शेयर करना बिल्कुल भी मत बोला करें, पता नहीं है यार, याद दिलवाना पड़ता है आप लोगों को कि शेयर क्यों नहीं करते हो, ठीक है। यहां पर प्लस में 2 हो गया और यहां पर हो गया 16। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास हो गया 16 माइनस के 2, मतलब कि 14 इसका आंसर हो गया। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 14, डेफिनेटली समझ गए होंगे आप, ये इसका बेसिक तरीका था। फिर भी मुझे करते करते आपके सामने लगभग मैक्सिमम 1.5 से 2 सेकंड्स मिनट लग चुके हैं, लेकिन मैं आपको इतना टाइम कंज्यूम करने का फंडा नहीं दूंगा। आपने क्वेश्चन देखना है, स्टॉक से अपना आंसर निकाल देना है, लेकिन आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी आपको प्लस में वैल्यू दे दी जाए, देखो यहां पर प्लस में देकर और प्लस में आपको वैल्यू दे दी गई है तो ट्रिक मेरी काम करेगी माइनस में, अगर माइनस में वैल्यू दी है तो ट्रिक मेरी काम करेगी प्लस में, इसको पल्ले बांध ले अपने बात। लेकिन अब आपको क्या करना है कि काला जादू ट्रिक, हाँ जी नोट करें कि काला जादू ट्रिक रामबाण विधि से आपको काम करना है। तो आपको ये याद रख लेना है कि जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ भी देकर पेपर वाला कहे कि एक्स स्केयर वन अपॉन एक्स स्केयर का आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है और वो काम आपके सामने ये रहा, यानी आपने करना है कि यहां पर लिखेंगे एन का स्केयर माइनस में 2। ये ट्रिक नोट कर लें गाइज, आपका आंसर हो गया। देखो n का मतलब नंबर, यहां पर 4 है तो 4 का स्केयर कर देंगे और यहां पर 2 और ये लीजिए आपका आंसर हो गया गाइज, एक सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको पेपर में काम करना हो इस ट्रिक के साथ करें और बेशर्ता कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप अप्लाई करें, अपने आंसर्स खुद लिखें और खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो गाइज मैं आपको अगली ट्रिक में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ पढ़ते जरूर रहें। और आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं कि जब भी अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की इक्वल पावर 4 है और पेपर वाला आपसे अगर यू पूछ लेता है कि x की पावर 3 वन अपॉन एक्स की पावर 3, देन आप आंसर क्या लिखना है, तो इसके लिए हम क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करना है तो मेरी ट्रिक क्या थी कि जब प्लस में वैल्यू दी जाए तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे तो आपने कर देना एन का क्यूब माइनस में 3n। तो गाइज ये आपका आंसर हो गया कि 4 का स्केयर क्यूब कितना होता है 64 होता है और 4 × 3 कर देंगे तो 4 × 3 = 12 हो गया, तो 64 − 12 कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर हो गया 52। तो करने की कोशिश करें, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स, शेयर करना नहीं भूलें, फैला दें इसको फटाफट से ताकि हर एक स्टूडेंट की जुबान पे हो गिल्ज मेंटोर, गिल्ज मेंटोर। थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें।